सभी महान पुरुषों का मैं चरण वंदन अभिनंदन और हृदय से आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं। और स्वागत कर रहा हूं आपके मुख्य अतिथि जी ने जो बातें कही उस पर भी आप लोग विचार करिएगा कि क्षत्रिय समाज जाति नहीं है और अनेकों में एक है, इसलिए इसको बताने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। और आपके मंच पर जो लोग ये बड़े बड़े पराक्रमी लोग हैं जो अपना परिचय आपको नहीं दिया लेकिन मैं सबको जानता हूं, पूर्व विधायक प्रदीप सिंह जी जो बात कहे इन्होंने उस बात को नहीं रखा कि जिस महाराणा प्रताप के इतिहास को इस देश के हुकूमत करने वाले लोगों को लोगों ने भुला दिया था, उस इतिहास को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया। आप लोगों को मालूम नहीं कि कोई भी क्षत्रिय समाज का योद्धा कभी कहीं किसी से कोई युद्ध हारा ही नहीं। यह इतिहास है कि क्षत्रिय योद्धा कोई भी युद्ध में पराजित नहीं हुआ। और यह भी इतिहास है कि क्षत्रिय योद्धाओं के सामने कोई भी न अकबर सामने आया न शाहजहां सामने आया, कभी नहीं आया। उनके सेनापति लड़ते थे, कभी महाराणा प्रताप के सामने कभी अकबर खड़ा नहीं हुआ, उनके सेनापति लड़ते थे। ये सब इतिहास है, उसको समझिए। और महाराणा प्रताप ने 16 लड़ाई लड़ी और 16 लड़ाई में उनकी जीत हुई, ये कभी इतिहास बताता है? आप चले जाइए राजस्थान में, उदयपुर से आगे दिवेर एक जगह है 700 करीब 10-20 किलोमीटर का एक एरिया है जहां महाराणा प्रताप का स्टेचू लगा था, लगा हुआ है, उनके विजय गाथा को बता रहा है। उस जगह का नाम दिवेर है, दिवेर। और उसी कुल के हैं ये। उस दिवेर से अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने दिवेर विजय संकल्प कलश यात्रा का आयोजन किया और 3 प्रांत में उसको ले गए, दिवेर के इतिहास को लेकर। और आपके बिहार में भी वो इतिहास, जो यात्रा है, जो कलश का पूजन हुआ है, उसमें ये पूर्व विधायक प्रदीप सिंह जी भी बैठे हुए थे। जिस दिवेर में हमने कलश का पूजन किया था वो आज यात्रा रुकी हुई है, वो यात्रा आपके पास भी आएगी। और ये सफेद झूठ है, मैं तो इस देश के सारे इतिहासकारों को चुनौती देता हूं कि कोई भी क्षत्रिय महान योद्धा किसी भी युद्ध के मैदान में कभी युद्ध नहीं हारा है। अगर उस प्रमाणित कर दे तो ये कुंवर अजय सिंह उसका गुलामी करने को तैयार है। ये वो इतिहास है जिसको अंग्रेजों ने पैसा देकर इन मुगलों से और जातियों लोगों से वो इतिहास लिखवाया गया है। ये हमारा इतिहास नहीं है जिस इतिहास को हम पढ़ते हैं। तो मेरे कौम के श्रद्धालुओं, समस्या तो है आपके बीच में। जितेंद्र नीरज जी बैठे हैं, ये हमसे भी ज्यादा इन्होंने समाज में काम किया है, साधारण आदमी नहीं है। बड़ी बड़ी ससाराम में क्षत्रिय महासम्मेलन कराने वाले लोग हैं, मैं तो बाद में आया हूं। और तमाम हमारे लोग हैं, बधाई के पात्र हैं माननीय मृत्युंजय कुमार सिंह जी जो आपके चले गए हैं अभी। और मृत्युंजय कुमार
जो हमारे मुख्य संरक्षक है मृत्युंजय कुमार सिंह जी, उनके दिशा निर्देश पर राणा जी को प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। लेकिन जब से इनका निर्वाचन हुआ है तब से एक दिन ये नहीं बैठते। एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत कर दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में इनके मन में भी तर्पण रहती है भाई विपिन कुमार सिंह जी का। ये जाते हैं महासभा के मिटकों में और चाहते हैं कि समाज का कुछ काम है। इनके लिए भी भाई गोल इंस्टीट्यूट है, उनमें तरह तरह की शिक्षा दी जाती है, आपको फ्री शिक्षा भी मिल सकती है। इनके लिए भी एक बार विपिन कुमार सिंह जी के। हमारे राष्ट्रीय युवा दल चन्नूक जी ने भाई रोजगार 10-20 हज़ार लोगों को दिया ही है और आगे भी दे रहे हैं। वो महासभा के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष हैं। और प्रदीप सिंह जी, देखो आप मानो या न मानो ये तो आप जानो, मैं झूठ नहीं बोलता लेकिन सच बोलने से मैं कभी डरता नहीं हूं। 2030 तक इस भारत की राज सत्ता क्षत्रियों के हाथ में रहेगी और कोई भी माई का लाल इस क्षत्रियों को सत्ता तक जाने से नहीं रोक सकता। देखो क्षत्रिय समाज ऐसे जागृत नहीं होता। आप दुनिया के इतिहास को उठा के देख लीजिए कि जब जब देश पर प्रजा पर जुल्म हुआ है, संस्कृति को नष्ट किया गया है, तब तब अपने आप क्षत्रिय समाज जागृत होता है। क्षत्रिय समाज विषम परिस्थितियों में जागृत होता है, समान परिस्थितियों में कभी क्षत्रिय समाज जागृत नहीं होता। ये इतिहास है और आज भारत की वही स्थिति है कि जिनके हाथों में हमने देश का बागडोर दिया वही ये देश के कातिल निकले। क्या इनको माफ किया जा सकता है? मेरे कौम के महापुरुषों, स्वतंत्रता की लड़ाई में 8 लाख क्षत्रिय का बलिदान हुआ। कितना? 8 लाख। और अंग्रेजों ने 70 लाख लोगों को फांसी पर चढ़ाया। इस देश में 3 करोड़ लोगों के बलिदान के बाद आज ये देश स्वतंत्र नहीं है। इसके पास संप्रभुता नहीं है, राष्ट्रसत्ता को निर्णय लेने की शक्ति नहीं है। ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 3 करोड़ लोगों के बलिदान के बाद भी आज हम ब्रिटेन का प्रजा ही बने हुए हैं। अब पढ़े लिखे लोग हो, संविधान में हर बात लिखी हुई है भाई। ब्रिटिश नेशनलिटी एक्ट 1947 पर 48 पढ़िए, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 पढ़िए, ट्रांसफर ऑफ स्टेट पावर एग्रीमेंट 1947 पढ़िए, पढ़िए। और क्षत्रिय समाज को इन गद्दारों के जो षड्यंत्र है उसको पढ़ना चाहिए। वो दस्तावेज आपके सामने है, पढ़िए। कॉन्स्टिट्यूशन को एक बार नहीं 10 बार पढ़िए। देखिए मैं एक चीज बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारे मुख्य न्यायाधीश जी भारत में, भारत के संविधान में 2 बात लिखा हुआ है, समानता और स्वतंत्रता लिखा है ना। अच्छा, तो समानता का अधिकार में क्या हम नहीं हैं? हमारा तो मौलिक अधिकार भी हमारा छीन लिया, विकास के अवसर को छीन लिया, हमारे विकास के अवसर को सीमांकित कर दिया। तो बहुत सारे हमारे क्षत्रिय महापुरुषों ने भाषण दिया कि हमको आरक्षण नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। लेकिन भैया जो देश को हमने दिया है, हमने आपको दिया है, वो हमको वापस कर दो, हमको आरक्षण नहीं चाहिए। हमने क्या दिया? 1200 किले, 1200 गांव, 1600 करोड़ हम
राजस्व वसूल करते थे 1947 के पहले, कितना? 1600 करोड़, 40 लाख एकड़ जमीन क्षत्रिय समाज को इस राष्ट्र निर्माण में लगा है। वो 40 लाख एकड़ भाई हम जो दिए हैं उसी को दे दो, मुझे आरक्षण नहीं चाहिए। क्या कोई चीज हमने आपको 100 रुपया दिया तो हमको मांगने का अधिकार नहीं है? यह अधिकार है। आप लोग बताओ 1947 के पहले भाई जोगिंदर सिंह जी, 1 रुपया का वैल्यू $33 था। कितना था? $33। और आज 75 साल में $1 की कीमत ₹75 होगा, उल्टा हो गया। कैसे हुआ? कैसे हुआ बताओ? कम से कम 1 रुपये की कीमत $1 होनी चाहिए। इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है, वो एक घंटे के 10 मिनट के भाषण में नहीं कहा जा सकता। आप जानते हैं 2000 के नोट तो अब छपा, 1000 रुपये का नोट कब छपा था जानते हैं आप? तो नहीं जानते हैं। 2000 नोट 1954 में छपा था 1000 रुपया का नोट, अब मार्केट में आया 2007 में। कितना आया? 7 में। मैं इसलिए बता रहा हूं कि जितना नोट छपता है उसका 60% रिजर्व में चला जाता है, जनता को बताया ही नहीं जाता है। या भारत सरकार के प्रधानमंत्री को सबसे पहले यह बताना चाहिए इस देश को कि हमने अभी तक कितना नोट छापा और वो नोट कहां है। देखो हम खत्म कर देंगे समय का ध्यान में, सुनिए नोट कहां है भाई। देखो ये अमीर होंगे तो ये गरीब होंगे। आज अगर हमारे पास 20 लाख रुपया है तो कल हमारे पास नहीं रहे, इतने नोट है बाजार में। मेन मालिक तो दूसरे जगह बैठा हुआ है। इसलिए ये बहुत मैंने कई बार रिक्वेस्ट किया कि भारत क्षत्रिय समाज की क्या रणनीति होनी चाहिए उस पर चर्चा कराइए, और ना हमको कभी बोलने का मौका मिलता है। इसलिए याद कर लेना, मैं तो कहता हूं कि कौन सा शिक्षा है कि जो मां को भूल जाए, बाप को भूल जाए, पूरे कुल खानदान को भूल जाए, समाज को भूल जाए, राष्ट्र को भूल जाए, कौन सा शिक्षा है भैया? इसे तो पहले मेरा समाज शिक्षित था कि मां को भी मानता था, बाप को भी मानता था, देश और राष्ट्र को भी मानता था। भाई शिक्षा तो पेट के भूख मिटाने के लिए शिक्षा है क्या? शिक्षा का मतलब है समाज और राष्ट्र की रक्षा करना। इसलिए हम लोगों को शिक्षित भी बनना चाहिए। हम शिक्षा के विरोध में नहीं है, लेकिन अगर हम शिक्षित नहीं बोले तो पढ़े लिखे लोग इस देश को बेच डालेंगे, खत्म कर देंगे, क्योंकि राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना होना चाहिए जो नहीं है। मेरे दोस्तों, आप सिर्फ मोरल सपोर्ट दीजिए, मोरल से बचते हैं, मोरल सपोर्ट करिए संगठन और समाज को, और ध्यान रखिए कि क्षत्रिय संगठन का कौन आदमी काम कर रहा है उसको मदद करिए, कहीं भी उसकी निंदा मत करिए। और मैं तो आप ही से पूछना चाहता हूं कि हमारी क्या शक्ति है संगठन की या समाज के, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप ही जवाब दे दीजिए। ये बताइए कि पूरे सदन में क्षत्रिय संगठन को बिना मांगे कोई 10 रुपया दिया है पूरे हॉल में? तो नहीं दिया तो शक्ति कहां से आ जाएगी? देखिए याद कर लीजिए, जो एक रोटी आप खाते हैं ना
एक रोटी सामाजिक संगठन को निकाल के रखना पड़ेगा जिसका कीमत 3 रुपया होता है बाजार में और उसके हिसाब से पैसा दीजिए संगठनों को। ये भाषण देने से और इतिहास के पन्ना उलटने से कोई समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। यह एक जंग है, यह एक लड़ाई है जो हमको लड़नी पड़ेगी सड़क पर उतरकर। इसलिए भाषण तो अच्छी बात है, वर्तमान में हम जी रहे हैं और वर्तमान में हमारा ताकत कैसे बनेगा जब तक आप दायित्व का पालन नहीं करेंगे। आपका दायित्व का पालन करेंगे? अगर मैं कहूं हो गया, अगर मैं कहूं कि आप झाड़ू उठा के रोड साफ करिए, आप मानेंगे? इसलिए हर क्षत्रियों को एक जिला में 1500 ऐसे प्रशिक्षित वॉलंटियर तैयार करिए जो संगठन के दिशा निर्देश को माने, तब ताकत आएगी। असली बात तो कोई बोलता ही नहीं। देखो, जब तक आप लोग वोट बैंक नहीं बनोगे, जब तक पार्टियों के आधार पर आप नेतागिरी करोगे, आप मत का प्रयोग करोगे, तब तक उतना ही आपका पतन होगा, कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए जब क्षत्रिय हो या राजपूत को वोट बैंक में रिजर्व होना पड़ेगा और उसी दिन आपका ताकत बनना शुरू होगा। ये जनता दल भाजपा कांग्रेस का माला जपने से आपका कोई कल्याण नहीं होने वाला है। मैं तो दिल्ली में रहता हूं, मैं तो जानता हूं क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। इसलिए आप दोनों हाथ आज महाराणा प्रताप के हम जन्मोत्सव दिवस पर बोल रहे हैं, दोनों हाथ उठा के आप संकल्प लीजिए कि हम अगर झूठ होकर एक ही प्रत्याशी को वोट करेंगे। दोनों हाथ से संकल्प लीजिए और झूठ मत को संकल्प लीजिए। ये वोट बैंक आपको बनना पड़ेगा, तभी आपके पास ताकत आएगी। और एक भैया विपिन बाबू चढ़े हुए हम पर, सुनिए एक बात गांठ पर लो कि जिस दिन आपको महसूस होने लगे कि हमारा कुछ लूट गया है या कोई छीन रहा है, तो उसको आप किसी राष्ट्रीय कवि ने कहा था कि छीनता हुआ अधिकार तुम्हारा जब तब से काम ले यह पाप है, छीनता हुआ अधिकार तुम्हारा जब तब से काम ले यह पाप है। अब पुण्य क्या है? पुण्य है बिछिन कर देना उसे बढ़ रही तेरी तरफ जो हाथ है। देखो, अगर कोई जुल्म करता है और कितना बड़ा शक्तिशाली आदमी क्यों नहीं हो, मंत्री हो, जिलाधिकारी हो, एसपी हो, अगर नाजायज तरीके से आप पर जुल्म करता है, उसको हत्या कर दो, गोली मार दो। और आप नहीं मारोगे मुझे बुलाओ, जुल्म कभी बर्दाश्त मत करो। जुल्म अगर हम बर्दाश्त करेंगे, देखो इन मलेच्छों का शासन चल रहा है, ये सब मलेच्छ है, इस देश में गलत कानून बनाएंगे, कानून के बल पर खाली छत्री को फंसाएंगे। आप जेल के जाकर मूल्यांकन कर लो, 100 में 7 बोरा मिलेगा जेल में। ईमानदार इसलिए कि समाज का अच्छा काम करना चाहता है, उसको साले को जेल में डाल दो, यही राजनीति है इस देश की, बस खत्म कर देते हैं। देखो, महाराणा प्रताप के एक आदेश था कि जाके राखे धर्म को ते ही रखे करता, जो छात्र धर्म का पालन करेगा, करतार मतलब भगवान, उसी की रक्षा करता है। यह महाराणा प्रताप का आदेश है कि क्षत्रिय धर्म का जब पालन करेंगे तबे आपको ईश्वर मदद करेंगे। और एक लाइन बोल के वाणी पर विराम लगाते हैं कि जितेंद्र भैया, सूख रही थी बोटी बोटी,
उन्होंने भी कहा है कि सूख रही थी बोटी बोटी और न मिली घास की रोटी, सूख रही थी बोटी बोटी ना मिली घास की रोटी। वो इतिहास रचा करते हैं, वो क्या करते हैं, इतिहास रचा करते हैं, और उसी को हम लोग वीर महाराणा प्रताप कहा करते हैं। उद्बोधन विराम लगाते हुए देखो भैया एक लाइन आओ, आपको कहीं कोई दिक्कत हो मुझे बुलाओ, वो अगर नजायज करता है तब आवाज जुल्म का बगावत जुल्म का विरोध करो, वो साहस पैदा करो। कोई हर आदमी आपको दबाना चाहता है, पूरे देश में देख लो सबसे ज्यादा इनकाउंटर क्षत्रिय समाज का हो रहा है, हत्या क्षत्रिय समाज का हो रहा है। ये किसकी जवाबदेही है भैया? भाई इसको कौन कैटेगरी करेगा, कौन भाई ये काम को करेगा, रोकेगा कौन? बस आपने हमारी बात को सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपका प्यार मोहब्बत अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के साथ बना रहे, इन्हीं संदेश के साथ जय क्षत्रिय जय भारत जय छात्र। ये थे हमारे अध्यक्ष, बड़े सम्मान के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, आपने जितने ओजस्वी तेजस्वी बातों को यहाँ पे रखा, निश्चित रूप से इसके कारण आप जाने जाते हैं, थोड़ा बेबाकी से आप बातों को रखते हैं।